देखिए आज मेरे पास आया हुआ है बिगार्ड का 400+। इनपुट है आपका 90 से 300। हाई का प्रॉब्लम है। देखिए अभी स्टार्ट होगा। देखिए स्टार्ट हुआ है, हम टैपिंग चेंज करेंगे। देखिए अभी देखिए हाई हो गया, मतलब ये 300 से ऊपर आउटपुट दे रहा है, इसीलिए हाई दिखा रहा है आपका। तो देखिए इसमें पहला देखिए ये पेड़ जो है ये जल चुका है। देखिए ये आपका, देखिए ये जो येलो कलर का तार है ये देखिए कहाँ लगा हुआ है, कॉमन और एनो में लगा हुआ है। एनसी से ओपन है, कॉमन और एनसी से लगा हुआ है, कॉमन और एनो में लगा हुआ है। देखिए ये पेड़, ये आपका फट चुका है। देख लीजिए ये इसका पीसीबी है, देख लीजिए बिगट का है। सबसे पहले इसका रिले जो है इसको चेक कर लेंगे, रिले खराब होने से ऐसा हाई आता है लिख के। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका रिले का जो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है देखिए इसको ओपन कर लिए, तो अभी हम लोग इसका रिले जो है इसको चेक कर लेंगे। ये आपका 24 वोल्ट का लगा हुआ है 40 एम्पियर में। ठीक है तो हम लोग इसका रिले वगैरह चेक कर लेंगे। देखिए जब प्रॉब्लम होने से ही ऐसा होता है। ये आपका रिले का सप्लाई पिन यहाँ पे है, देख लीजिए ये आपका सही है, ये इसका सही है रिले ये। और एक है आपको यहाँ पे, ये भी सही है, देखिए ये भी सही है, ये 3 नंबर वाला ही है। ठीक है 3 नंबर वाला रिले आपका खराब है, कोई साउंड नहीं कर रहा है, मगर ये काम नहीं कर रहा। देखिए ये खराब हो चुका है, तो हम लोग इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग ओपन कर चुका हूँ, उसको जल चुका है क्या ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक साथ सटने से इसका प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो लॉक खोल देते हैं, नहीं ये सब सही है मगर इसमें काम नहीं कर रहा है। तो हम फिर से एक बार चेक करेंगे सप्लाई देते। देखिए देखिए काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। देखिए मैग्नेट नहीं चिपक रहा है इस साइड, तो देखते हैं इसके कोयल वगैरह सही है कि नहीं। तो देखिए इसमें ये आपका रिले ख़राब था, देखिए ये वाला जो रिले है इसका ये ख़राब हो चुका था, इसका एक्चुअली कोयल ही ख़राब हो गया, शो नहीं कर रहा है कोई ओम्स इसमें। तो हम लोग इसमें नया रिले लगा दिया 24 वोल्ट का था, और ये आपका दोनों तीनों रिलो, ये टाइमर वाला है, ये 1 ये 2, मतलब टाइम रिले 2 खराब हुआ है, 2 नंबर रिले खराब हुआ है, 3 नंबर रिले ये आउटपुट रिले है, 90 से है। और ये जो यहाँ पे पीएफ फटा हुआ था जो, इसको हम लगा दिया सेम टू सेम। ये आपका पीएफ का नंबर है आपका 3.3 के, 250 वोल्ट है, फुल फिटिंग हो चुका है। अब चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए हम 100 वोल्ट देते हैं इनपुट, 90 से 100 देना पड़ेगा। ये टाइमर आ चुका है इसमें, देखिए आउटपुट भी हो चुका है। देखिए पहला टैपिंग देख लेते हैं, देखिए पहला सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है अभी बिल्कुल ओके है। अभी पहले हाई